आई एम सॉरी स्वरा, प्लीज हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मिस्टर अश्विन, जो भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। हाँ, ये चोरी हमने ही की, पर ये चोरी हमने इसकी कीमत देख के नहीं बल्कि इसका महत्व जानने के बाद की। खानदानी निशाने पर हमारा भी तो हक है ना, हम बस एक बार इसे पहनकर फोटो लेना चाहते थे ताकि इसकी मेमोरी हमारे साथ हमेशा रहे। और हमें तो पता था कि स्वरा हमें हाथ भी लगाने नहीं देगी, इसलिए हम छुप कर इसके रूम में गए और हमने चोरी कर ली। हमने देखा था ना किस तरीके से कोयल भाई करधनी देती है यहाँ पर स्वरा को और लॉकर में रखने को बोल देती है और यहाँ पर वो लॉकर में रख भी देती है, सारी चीजें भाई बंद भी हो जाती है, लेकिन अचानक से कोयल ही उसको चोरी करके श्लोक के बैग में रख देगी। अब भाई इन लोगों का सारा प्लान होता है ना ध्वनि और कोयल का, उनको लग रहा है कि भाई हम फंसाएंगे इसके घर वालों को, तो भाई बहुत बड़ा नाटक होगा और यहाँ पर हो सकता है कि चोरी के इल्जाम में स्वरा को भी घर से बाहर निकाल दिया जाए। वैसे हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हमें भी माफ कर दीजिए, आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है। अरे काहे का माफी, कोई माफी नहीं मिलेगी। पहले गर्दन काट के जमीन पे फेंक दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे माफी मांगिए। इंदु जी हम हाथ जोड़िए, आप किसी के आगे हाथ जोड़िए, हमें मंजूर नहीं है। दूसरे को बेवजह। मैं आपको बता दूं कि भाई आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि प्रभा की एंट्री होगी और यहाँ पर स्वरा प्रभा को लेकर आएगी और सारा सच जब प्रभा बताएगी रुद्र को भाई कोयल के बारे में, तो हो सकता है कोयल को घर से बाहर निकाल दिया जाए। और वैसे आने वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कोयल और ध्वनि तो चुप बैठने वाले नहीं है। ये वाला जो उनका चोरी वाला इल्जाम था ना, ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वो चोरी का इल्जाम तो लगाएंगे श्लोक और स्वरा के ऊपर, लेकिन स्वरा भी भाई बहुत तेज है। तो हमने देखा ही था ना कि कोयल जब आती है साड़ी पहन के तो यहाँ पर वो ऐसे डाल देती है चोरी करते समय और इसी बात का फायदा उठाती है स्वरा। अब स्वरा बोलती है ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आग लेकर आती हूँ और फिर आपको सच बताती हूँ। सब लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, इस तरीके से कैसे सच बताएगी। जैसे वो आग को लेकर आती है वैसे कोयल की साड़ी के ऊपर रखती है तो एकदम से आग लगने लगती है, तो ये तो प्रूफ मिल जाता है कि भाई ये सारा काम कोयल ने किया था। और अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर कोयल के साथ क्या कुछ होगा, और अगर कोयल का ये सच पता लग गया है तो हो सकता है कि रुद्र भाई कोयल को घर से बाहर निकाल दे और वेदांत भी यहाँ पर भाई असली चेहरा देख ले कोयल का कि किस तरीके से कोयल ने यहाँ पर प्रभा को पहले बाहर निकाला था, फिर दादी को भी उसने बीमार कर दिया था कि दादी उसकी बोल नहीं सकती, पर यहाँ पर अब धोनी के साथ मिलकर स्वरा को भी बदनाम कर रही थी।